बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सिर्फ आतंकवाद ही समस्या नहीं है बल्कि ड्रग्स भी बड़ी समस्या बन गई। बीते कई महीनों से जम्मू एरिया में आतंकवादी एक्टिव हैं और अब जम्मू में बस स्टैंड के पास से ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 33 किलो हीरोइन के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया है। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 33 किलो हेरोइन के साथ एक जो शख्स है उसको ड्रग तस्कर जो है उसको गिरफ्तार किया है। आप देखेंगे एसएसपी जम्मू जो है वो इस वक्त खुद जो है वो जम्मू बस स्टैंड पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू बस स्टैंड की, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ड्रग्स की एक बड़ी कंसाइनमेंट को जो है वो बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार में कीमत जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब नंबर की जो है एक पंजाब कल एक लड़का था, युवक था, जिसकी उम्र शायद 18 साल से कम बताई जा रही है। वो जो है इस ड्रग्स के साथ था, जो है वो पकड़ा गया है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार क्या जो है इसमें क्या ये क्या मॉड्यूल था, कहाँ ये पहुँचाई जानी थी, कहाँ से ये लेकर आया था। पूरे नेटवर्क को कंगालने की जो है वो उसकी भी कोशिश की जा रही है, मगर एक बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है, जिन्होंने 33 किलो ड्रग्स जिसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अमूमन देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की तस्करी जो की जाती है उसका सीधा इस्तेमाल जो है वो आतंकी नेटवर्क को रिफ्यूल करने के लिए किया जाता है, आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। और समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कामयाबी में जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो आतंकी नेटवर्क को फिर रिफिल करने की जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त जम्मू बस स्टैंड की है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस जो है इसको अंजाम दिया है। मणिनीग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़ जम्मू।